ट्रॉफी के बदले आटा, पीएसएल का कप लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचे हारिस रऊफ तो सोशल मीडिया पर फैंस ने लगा दी क्लास। अफगानिस्तान के खिलाफ निकली पीएसएल के धुरंधर की हवा, शर्मसार हुआ पाकिस्तान। ये है पीएसएल का असली टैलेंट। अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने पहले T20 में रचा इतिहास तो पाकिस्तान के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज तर्रार गेंदबाज हारिस रऊफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में वो पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की ट्रॉफी के साथ वाघा बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। हारिस रऊफ का ट्रॉफी लेकर बॉर्डर पहुंचना भारतीय फैंस को पसंद नहीं आया, इसके लिए रऊफ को खूब ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, ट्रॉफी के बदले आटा मांगने आया था। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ट्रॉफी में ज्यादा आटा नहीं आएगा, बोरी लेकर आओ। पाकिस्तान के लोगों को भी ये पसंद नहीं आया। एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, कौन सा इंडिया से जीते हैं, कभी कभी दिमाग से भी सोच लिया करो। साफ है कि अपने ही देश में होने वाली लीग जीतने के बाद उस अवार्ड की नुमाइश सरहद पर आकर करना ताकि पड़ोसियों को चढ़ा सके, ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है। इधर पीएसएल ट्रॉफी पर इतरा रहा था पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान से हार कर ग्रीन आर्मी के हिस्से आई एक शर्मनाक हार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शारजहां में खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में मात देकर इतिहास रच दिया। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कोई मुकाबला हराया है। वहीं इस मैच में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। शादाब खान की टीम की इस मुकाबले में बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी फ्लॉप रही। ऐसे में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद फैंस टीम को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान शारजहां में खेले गए पहले T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर महज 92 रन ही बना पाया था। किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी के साथ यहां बल्लेबाजी नहीं की, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर 100 रन भी न टांग पाई। पाकिस्तान जैसी टीम के लिए काफी शर्मनाक बात है। हालांकि 92 रन के छोटे से टारगेट को हासिल राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान ने 6 विकेट रहते हासिल कर लिए। अफगान टीम के इस रन चेज में मोहम्मद नबी ने 38 रन की अहम पारी खेली। अफगानिस्तान ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पाकिस्तान की टीम को इस हार के बाद सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। वहीं जैसे भारत के लिए सूर्य कुमार यादव लगातार 3 मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए, इस मैच में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक के साथ भी ऐसा ही हो गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू कर T20 इंटरनेशनल मैच में 41 रन बनाए थे। दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड दौरे पर वो लगातार 2 मैच में डक हुए। अब करीब 2.5 साल बाद उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी गई। इस मुकाबले में भी वो खाता नहीं खोल पाए। वो लगातार 3 T20 मैच में खाता नहीं खोलने वाले मोहम्मद हफीज के बाद दूसरे पाकिस्तानी हो गए। पाकिस्तान टीम ने स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी 20 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान टीम के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं और बाबर आजम की जगह सीरीज में शादाब खान कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में ही सबसे कम स्कोर यानी 92 रन बनाने का एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान टीम के नाम दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2012 में खेले गए मुकाबले में सबसे कम 74 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल में ये 5वां सबसे कम बनाया गया स्कोर है। रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।